हाउ टू सेटअप न्यूट्रासूटिकल्स एंड डाइट्री सप्लीमेंट फैक्ट्री नमस्कार मैं यशदीप दैया आपको जानकारी दूंगा कि कैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड डाइट्री सप्लीमेंट की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं सबसे पहले आप जान लें कि डाइट्री सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं जैसे आप कभी जिम जाते हैं तो जिम के अंदर या बाहर डायट्री सप्लीमेंट से सजीव ही आपने दुकानें देखी होंगी या सुंदर सुंदर पैक्स में बॉडी बिल्डिंग के पाउडर प्रोटीन पाउडर वे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स वगैरह वो लोग सेल करते हैं इसके अलावा डॉक्टर्स भी अपनी प्रेस्क्रिप्शन में ये डाइट्री सप्लीमेंट लिखते हैं जैसे रिवाइटल वगैरह हो गए और सेवन सीज ऑयल्स के कैप्सूल्स जो बड़े सुंदर दिखते हैं सॉफ्ट लिटन वगैरह और इसकी निशानी ये है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रीन कलर या डार्क ब्राउन कलर की टिकिया होती है जिससे पता चलता है अगर ग्रीन है तो ये मतलब तो वेजिटेबल डाइट्री सप्लीमेंट है और अगर रेड या ब्राउन कलर है तो ये नॉन वेज प्रोडक्ट्स इसमें मिले हुए हैं और इस तरह की फैक्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है और इस पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स भी लागू नहीं होते हैं इसका लाइसेंस लेना भी बहुत सिरदर्दी का काम नहीं है और डाइटरी सप्लीमेंट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका एम भी गवर्नमेंट निर्धारित नहीं करती है मतलब इसकी जो भी आप टैबलेट कैप्सूल सिरप वगैरह बनाएंगे तो उसका एम आर अभी तक कोई निर्धारित नहीं किया है और इसकी फैक्ट्री का लाइसेंस आपको एफ एस एस ए आई से मिलता है और इस इस तरह के प्लांट में आप टैबलेट कैप्सूल सिरप पाउडर शेषे वगैरह बना सकते हैं सॉफ्ट जिलेटिन भी बना सकते हैं लेकिन इसमें गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है केमिस्ट की काफ़ी कम है इसमें मतलब फार्मा की तरफ आपको तीन तीन केमिस्ट नहीं रखने पड़ते हैं और इसमें लाइसेंस भी जनरली आपको विदाउट ऑडिट ही मिल जाता है या आपको लाइसेंस मिलने के बाद आपका ऑडिट होता है वो चाहे छः महीने में हो या एक साल में हो तो थो, थोड़ा ये सुकून का व्यापार है इसको आप आराम से शुरू कर सकते हैं और इस तरह की फैक्ट्री लगाने के लिए आप हमें फार्माडोस कंसल्टेंट को ट्रिपल नाइन सिक्स एट फाइव नाइन डबल टू सेवन या कॉन्टैक्ट ऐट द रेट फार्माडोक्स डॉट कॉम पर आप फ़ोन कर सकते हैं हमें आपको फैक्ट्री लगाने और लाइसेंस लेने का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा सबसे पहले साइट सिलेक्शन है इसके लिए देखिए कोई अभी एज़ पर जो एफ एस ए लॉ है उसमें कहीं भी ये मैंडेटरी नहीं किया हुआ है कि आपको इंडस्ट्री एरिया में ही लगानी है तो अगर हो सके तो आप इंडस्ट्री एरिया में लगाइए नहीं तो शहर के आउटर एरिया में भी आप लगा सकते हैं रेजिडेंस एरिया में आप ना लगाएं इसको कहीं भी ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल सके वहाँ पानी अच्छा हो वेस्ट वाटर डालने के लिए मतलब कोई निकासी की भी सुविधा हो और जहाँ पे पहले से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं फार्मा की आयुर्वेदिक की वहीं लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा इससे आपको टेक्निकल स्टाफ भी मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपके पास बायर भी ज़्यादा आएंगे अब एरिया की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो कम से कम एक स्क्वायर मीटर का तो आप प्लॉट लीजिए और अगर आपने बड़ा काम करना है तो आप हज़ार स्क्वायर मीटर का ही प्लॉट ले सकते हैं और फूड की फैक्ट्री में जो मिनिमम रूम्स की रिक्वायरमेंट है वो है ऑफिस लगभग 200 सौ स्केयर फुट का रामटिल स्टोर वो भी कम से कम 200 सौ स्केयर फुट पैकमिटे स्टोर कम से कम पाँच सौ स्केयर फुट फिनिश गुड स्टोर भी पाँच सौ स्क्येयर फुट और सिरप सेक्शन के लिए तीन सौ स्क्येयर फुट जगह बहुत है कैप्सूल दो सौ स्क्यर फुट में लग जाएगा टैबलेट के लिए आप आठ सौ स्क्येयर फुट जगह लीजिए पाउडर के लिए चार सौ स्क्यर फुट जगह लीजिए और सॉफ्ट जिलेटिन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दो हज़ार स्क्यर फुट जगह आप रखिए अब ज़रूरी नहीं कि आपने सारे सेक्शन लगाने आप कुछ कम सेक्शन भी लगा सकते हैं और बाद में जैसे आपका काम अच्छा हो जाता है तो आप और भी लगा सकते हैं फैक्ट्री आपको साफ़ सुथरी बनानी है इसमें ए एच यू या ए सी लगाने के ऐसे कोई रूल नहीं है वो आप चाहो तो एलमोनियम से ही पार्टीशन करा सकते हैं और चाहो तो आप पफ पैनल भी लगा सकते हैं वो फैक्ट्री के अंदर कहीं से मक्खी मच्छर ना घुस पाए मकड़ियाँ ना हों और सब जगह साफ़ सफाई रहे बस ये रिक्वायरमेंट है अब अगर आप सिर्फ की फैक्ट्री लगाते हैं तो खाली बोतलें बहुत सारी हो जाती हैं भरी हुई बोतलें के लिए भी काफ़ी स्पेस लगती है तो उस हिसाब से फिर सिर्फ की फैक्ट्री लगाएं तो थोड़ा एरिया आपको ज़्यादा रखना पड़ता है अब मशीन की बात कर लेते हैं हम लोग जैसे रामटे स्टोर में आपको मशीन चाहिए रैक्स पैलेट्स वेइंग बैलेंस स्पून स्कूप ड्रम पैकेमेट स्टोर में आप रैक्स और पैलेट लगाइए फिनिश गुड में भी रैक्स और पैलेट रखिए अब सिरप सेक्शन के लिए आपको एक बैच का एक कमरा बना लीजिए उसमें एक मिक्सिंग टैंक रख लीजिए स्टरर रख लीजिए और शुगर सिरप बनाने के लिए गैस का स्टोव रख लीजिए फिर बॉटल्स को फिल करने के बॉटल फिलिंग मशीन बॉटल सीलिंग मशीन विजुअल इंस्पेक्शन बोर्ड चाहें तो आप एक लेबलिंग मशीन भी लगा सकते हैं और कैप्सूल सेक्शन की बात करें तो कैप्सूल में ह्यूमिडिटी हमें कंट्रोल करनी होती है तो इसमें एयर कंडीशनर डिओमिडीफायर पाउडर छानने के लिए सिफ्टर, कॉन ब्लेंडर और इसके अलावा ऑटो लोडर और मैनुअल कैप्सूल फिलिंग मशीन आप लगा लीजिए कम से कम बाद में चाहे तो आप ऑटोमेटिक मशीन भी लगा सकते अब अगर आपने प्रोटीन पाउडर बनाना है या कोई भी शेषे बनाना है तो उसके लिए आप एक शिफ्टर ले लीजिए जिससे पाउडर छाना जा सके और फिर पाउडर को आप तोल तोल के पैकेट्स में खुद मैनुअली भी भर सकते हैं नहीं तो आप इसके लिए मशीन भी ले सकते हैं और टैबलेट सेक्शंस के लिए काफ़ी कॉस्टली सेक्शन है ये अगर अगर फंड कम है तो स्टार्टिंग में इस सेक्शन को अवॉइड करें और फिर भी अगर आप लगाएँ तो इसमें एक सिफ्टर पेस्ट कैटल मास मिक्सर मल्टी मिल ट्रेड ड्रायर ब्लेंडर टैबलेट कंप्रेशन मशीन टैबलेट ब्लिस्टर या एलो एलो मशीन ये आप लगा सकते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन सेक्शन काफ़ी महंगा लगता है और आप चाहें तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं फार्माडोक्स को ट्रिपल नाइन सिक्स एट फाइव नाइन डबल टू सेवन तो हम आपकी हेल्प करेंगे उसका सेक्शन लगाने में और मशीन परचेज करने में अब बात कर लेते हैं टेक्निकल स्टाफ की इसके लिए हमारे को कोई भी या तो बी टेक हो गए फूड टेक्नोलॉजी में या कोई बी फार्मा हो या बीएससी हो तो ये एक टेक्निकल स्टाफ कम से कम चाहिए और लैब चाहे आप हाउस बनाएं या आप बाहर से टेस्ट कराएं ये आपकी मर्जी है और इसका लाइसेंस आपको एफ से लेना है जिसकी फ़ीस सेवन पर ईयर है आपकी मर्ज़ी आप इसको एक साल दो साल तीन साल पाँच साल जितनी फीस आप डिपॉजिट कराएंगे उतना आप इसका लाइसेंस बनवा सकते हैं लाइसेंस में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप फार्माडोक्स कंसल्टेंट से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको अमेजन फ्लिपकार्ट ऐसी जो साइट्स हैं आप इन पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और अलग अलग सिटीज़ में आप अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं या वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं इस प्लांट को सेटअप करने के लिए अगर आप खाली सिरप कैप्सूल और प्रोटीन पाउडर का प्लांट लगाएंगे तो पंद्रह लाख में आपका प्लांट लग जाएगा अगर आप इसके साथ टैबलेट ही बनाना चाहते हैं तो पचास लाख आप और लगा लीजिए इसमें और इसके साथ अगर आपने सॉफ्ट लेटरिन का प्लांट तो दो करोड़ रुपए की और की लागत आएगी और जहाँ तक इसकी मार्जिन की बात है तो आपको इसमें दस परसेंट से पचास परसेंट का मार्जिन आराम से मिल जाता है और भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम फार्माडोक्स कंसल्टेंट आपको प्लांट लगाने और लाइसेंसिंग में पूरी हेल्प करेंगे ट्रिपल नाइन सिक्स एट फाइव नाइन डबल टू सेवन या हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट डॉट कॉम पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू